नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को एस्ट्राजेनेका की मदद से बन रहे कोविशील्ड टीके को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मान्यता प्राप्त वैक्सीन के रूप में घोषित किया है। बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल है। ऐसे में गांव में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और अन्य पदों के लिए भी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। इस बार युवाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में ज्यादा देखी जा रही है। ऐसा ही मामला किशनगंज जिले के चकला पंचायत का देखने को मिला, जहां 24 वर्षीय युवा सरफराज अजीम ने नामांकन किया है। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के नियुक्त राजदूत सुहेल शाहीन ने विश्व निकाय से एक बार फिर उन्हें अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इसको लेकर ट्विटर पर शाहीन ने कहा कि काबुल प्रशासन अब मौजूद नहीं है, सरकार का कोई घटक नहीं है, जबकि IEA जिसमें सरकार के सभी घटक है अफगानिस्तान के लोगों का एकमात्र वास्तविक प्रतिनिधि है। बिहार के दरभंगा में जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट के अंबेडकर सभागार में हुई बैठक में जिला प्रतिरक्षक पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने डीएम और अन्य अफसरों को टीकाकरण की जानकारी दी। स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन दोनों मंत्रालयों के तहत सभी विभागों और कार्यालयों को 2 से 31 अक्टूबर तक एक विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के तहत प्रदेश के दौरे पे लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी से नेताओं का जाना रुक नहीं रहा है। इसी कड़ी में नया मामला है पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष गयादीन अनुरागी का, जिन्होंने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को शटडाउन को रोकने के लिए एक अल्पकालिक खर्च विधेयक पारित किया है, क्योंकि सरकारी फंडिंग कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ऊपरी सदन ने 65 से 35 मतों से सरकार को 3 दिसंबर तक वित्त सहायता करने की मंजूरी दे दी है। सदन के बाद में मंजूरी देने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान रात्रि प्रतिबंध हटाने के एक दिन बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा, श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं काली पूजा के लिए भी यही निर्देश लागू होगा, जो दुर्गा पूजा के लगभग 20 दिन बाद आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले साल अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा समझौते के विभिन्न आयामों को लेकर भारत को विश्वास में नहीं लिया गया और अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम के इस क्षेत्र और उससे आगे बेहद महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदतर हालात को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद राजधानी लखनऊ के साथ साथ अन्य शहरी और ग्रामीण सड़कों की जो दुर्दशा है, उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है कि टाटा समूह ने कर्ज में डूबे एयर इंडिया के लिए बोली जीती है। ब्लूमबर्ग ने पहले जानकारी दी थी कि सरकार को नियंत्रण सौंपने के बाद टाटा समूह राष्ट्रीय वाहक को आधी सदी से अधिक समय बाद फिर से हासिल कर लेगा। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि AI विनिवेश मामले में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बोलियों को मंजूरी देने वाली मीडिया रिपोर्ट गलत है। मॉनसून की वापसी के आधिकारिक तौर पर उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की आशंका शुरू हो गई है। प्रदूषण का कारण बनने वाले कई स्रोतों में पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाना है। किसान इस कृषि कचरे से न केवल कमाई करने की आशा कर सकते हैं, बल्कि हाइड्रोजन के उत्पादन में भी मदद कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच पेट्रोल डीजल की कीमत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन एक साथ तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद बेंचमार्क क्रूड $78 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर बना रहा। देश के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमत 30 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर के चावल को GI टैग मिल गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के किसानों की तरफ से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों को न केवल उनका हक मिला है, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है जिसमें COVID-19 के टीकाकरण के लिए पहचान के एकमात्र सबूत के तौर पर आधार कार्ड पेश करने पर जोर नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई। पीठ ने आगे कहा कि ऐप को अपडेट कर दिया गया है, अब टीकाकरण के लिए पंजीकरण के लिए कई तरह के ID प्रूफ मान्य रहेंगे।
केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जॉब पोर्टल विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी नाम का पोर्टल वरिष्ठ नागरिक प्रदाताओं को रोजगार की तलाश में एक मंच पर लाएगा। सामाजिक न्याय आधिकारिकता मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी AFSPA 1958 की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना हरा भरा शुरू किया है। अभी दग्गुबात इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने औपचारिक रूप से हैदराबाद के KBR पार्क में सीड कॉप्टर ड्रोन द्वारा भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान शुरू किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती तेवर के बाद पहली बार पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने अमरिंदर को भाजपा का मददगार बताया है। रावत ने आगे कहा कि ये वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को 2 बार CM बनाया, उनका बहुत सम्मान किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही अपनी नई पार्टी का ऐलान जल्द कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब विकास पार्टी होगा। सूत्रों की माने तो अपनी नई पार्टी के गठन पर विचार करने के लिए कुछ ही दिनों में कैप्टन अपने करीबी नेताओं की एक बैठक भी बुलाएंगे, जिसमें सिद्धू विरोधी गुट के तमाम नेता शामिल होंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोविड वैक्सीन नहीं लेने वाले यात्रियों के हवाई सफर करने पर रोक लगा दी है। ऐसा संक्रमण की दर पर काबू पाने के लिए किया गया है। इसके अलावा ये फैसला यात्रियों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए भी लिया गया है। गुजरात और बिहार समेत 7 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और भविष्यवाणी की है कि अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान शाहीन के मजबूत होने के आसार है। इससे पहले 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान गुलाब ने तबाही मचाई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। दामोदर घाटी निगम से अचानक पानी छोड़े जाने पर लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए राज्य की सहायता के लिए सेना NDRF को बुलाना पड़ा है। मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने गुरुवार शाम को पश्चिमी पूर्वी बर्धवान, वांकुर, बीरभूम, हुगली, हावड़ा के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षकों के साथ एक आपात बैठक की स्थिति का जायजा लिया। पंजाब के नए CM के रूप में कमान संभालने वाले चरणजीत सिंह चन्नी PM नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। PM मोदी के आवास पर वो मुलाकात करते देखे गए। PM मोदी से धान खरीद को लेकर बातचीत हुई है। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीद टालने के बाद पंजाब के किसानों में रोष देखा जा रहा है। दुनिया के 2 बड़े मीडिया घरानों का नेतृत्व कर चुकी एक जानी मानी शख्सियत ने अब तक एक स्वतंत्र वैश्विक मीडिया कायम करने की पहल की है। इस पहल को लेकर मीडिया के हलकों में गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। खबर है कि मार्क थॉम्सन ने फिलिपिन की पत्रकार मारिया रेसा के साथ मिलकर के ये पहल शुरू की है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने शुक्रवार को यहां की अदालत में दाखिल जवाब में कहा है कि उनकी तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी में कोई गुण नहीं है और इसका उद्देश्य सुनवाई की प्रक्रिया में देरी करना है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। बिना सिर के शरीर का क्या फायदा, कांग्रेस बीमार है और इसका इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज सही है या गलत उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। संपादकीय में शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी किले की मरम्मत करना चाहते हैं। बीते 24 घंटे में 26,727 नए COVID-19 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 28,246 लोग अस्पताल से छुट्टी लेकर घर वापस लौट गए हैं। इस दौरान 277 लोगों की जान भी चली गई है। इसके पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में संक्रमण के नए मामले 20,000 से कम हो गए थे। केरल में कोरोना के दैनिक मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पंचायती राज चुनाव के 2 चरण की मतगणना जारी है। इस बीच बिहार के IPS अधिकारी सागर कुमार झा की मां सविता झा सहरसा के चैनपुर पंचायत से मुखिया चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 350 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। सविता झा ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है नेहा कांत, नुनू कुमार, कृष्णा दुबे, मोहम्मद फैजान, अनिल कुमार, दीपक कुमार दुबे, ज्योति कुमारी, जयंबे, ऑक्सीजन, नीरज कुमार,
सोनम कुमारी, विकी कुमार, अनवर हुसैन, नूर राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के अब तक के सबसे सफल कप्तान कौन रहे हैं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी